नमस्कार दोस्तों, आपका भाई सुरेश कुमार सुमन आपके अपना चैनल सक्सेस विद सुमन केवीएस में स्वागत है। और आज मैं नया सेटअप शुरू कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा एडिटिंग को मैं इतना नहीं वो करता हूं, रियलिटी के साथ मैं यहां तक आया हूं। और मैं आप सभी से यही चाहता हूं कि आप रियलिटी को फॉलो करिए और रियलिटी लाइफ को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। थोड़ी सी कठिनाई होती है तो डिजिटल बोर्ड वगैरह अभी धीरे धीरे करेंगे। अभी मुझे, चूंकि हम अपने स्कूल में आपको डिजिटल बोर्ड मिलने नहीं जा रहा है, तो क्यों नहीं हम अपना प्रयास, चूंकि आपके इंटरव्यू में भी जो माइक्रो टीचिंग होगी, जो डेमो टीचिंग होगा, वहां पे भी आपके पास यही बोर्ड रहेगा, तो हम आपको अभी डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा दें या कुछ ऐसे कंटेंट लिखा हुआ है उसको ऐसे आगे पीछे कर समझा दें, तो आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जो मैं अपने हाथों से लिखकर एक 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 चीज को और बताऊंगा कि कैसे डेमो टीचिंग होता है, किस तरह से आपको खड़ा रहना है और क्या क्या बारीकियां लिखनी है। तो मुझे लगता है कि ये रियलिटी आपके जीवन में, रियलिटी लाने और आपको सक्सेस होने में बहुत मदद साबित हो सकता है, बहुत मदद करेगा, ऐसा मैं मानता हूं और ऐसा ही कर मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो आज सबसे पहले इस सेटअप के लिए, इस परिवार में प्रतिदिन हमारे नए सदस्य आते हैं, उन सभी के लिए मैं हाथ जोड़कर एक बार नमस्कार बोलता हूं, क्योंकि मैं आपका शिक्षक नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका मित्र हूं। क्योंकि शिक्षक शिक्षक का शिक्षक नहीं हो सकता, आप भावी शिक्षक हैं, आप मेरे साथ मेरे संगठन में आने वाले हैं या किसी भी शिक्षण क्षेत्र में आप जाते हैं, तो इसमें बड़ी बात होती है कि आप हमारे संगठन या किसी संगठन में जाते हैं तो वहां पे भाई भाई दोस्त दोस्त चलता है। ये नहीं कि अरे सर है इस सर है, ऐसा नहीं। तो आप अपना, मेरा ऐसा मानना होता है कि मुझे अपना दोस्त मानिए, अपना भाई मानिए। अगर आप हमसे बड़े हैं तो छोटा भाई मानिए, और छोटे हैं ज्यादातर, मेरी बहुत सारी बहन भी क्लास देखती होंगी, तो मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि इस चैनल को आप जितना प्यार देते आ रहे हैं प्यार दीजिए। और इस सेटअप को मैं, चूंकि मेरे को सेटअप को बहुत जल्दी डिजिटलाइज करने के लिए मैं सक्षम हूं, लेकिन शून्य से, जीरो से हीरो कैसे बना जाता है और पहले स्टेप से कैसे कैसे जाते 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 आप टॉप मोस्ट स्टेप पे पहुंचते हैं, उसका उदाहरण देते हुए, उसका एग्जाम्पल देते हुए आपका भाई आपके साथ डेमो टीचिंग के लिए आज सेटअप एक लाया है। और मुझे लगता है कि आप ये देख रहे होंगे कि वेलकम टू सक्सेस विद सुमन, माँ सरस्वती का भी नाम है यहाँ पे, और आज देख लीजिए आज बोर्ड पे डेट भी आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज से आपका मित्र बोर्ड पे एक एक चीज लिखेंगे और देखिएगा कि किस तरह से लिखते हैं और क्या लिखने की स्टाइल है हमारी और कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं और बोर्ड के सामने कैसे हम खड़ा होते हैं, इन सारी बारीकियों को आप सीखेंगे। डेमो टीचिंग एक ऐसा आपके लिए सुअवसर है कि 15 में 15 मिलेगा और थोड़ा सा वहां पे आप मिस्टेक करेंगे तो आपको 0 भी दिलाएगा। तो मैं, क्यों नहीं 15 में 15 की तैयारी करें और क्यों नहीं हम ये ऐसा करें कि हमें जो चीज वहां पे डेमो टीचिंग के लिए दिया जाएगा, ये आपके लिए मार्कर और ये आपका बोर्ड, यही दो चीज दिए जाएंगे और उस साइड में आपके बैठेंगे बोर्ड मेंबर्स और इधर जैसे मैं यहां खड़ा हूं आप खड़ा होंगे, और उनको आपको यहां से अलग अलग टीचिंग मेथड्स का यूज करके आपको सेटिस्फाइड करना है। क्योंकि आपको ध्यान में हमेशा ये चीज रखना है कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो आप नहीं समझ रहे हैं, जिसको पढ़ा रहे हैं वो समझ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि एक्स्ट्रा ओवर एक्टिंग करने लगते हैं हमारे मित्र कुछ, उनसे मैं सादर पूर्वक विनती करता हूं
कि उस दिन एक्टिंग नहीं करना है, उस दिन रियलिटी के साथ ध्यान रखना है कि जो चीज आप बता रहे हैं यहाँ पे कि आप क्या क्या बता रहे हैं, वो आगे वाले बच्चा इसको सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। आप बताए और आप ही सीखे, ये डेमो टीचिंग नहीं है, ये टीचिंग का आउटपुट निगेटिव जाता है। इसलिए अगर आउटकम आपको फेवरेबल आउटकम चाहिए तो आप जो पढ़ा रहे हैं और जिसको पढ़ा रहे हैं और जिस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं वे सब दिखना चाहिए और उसका आउटपुट आना चाहिए। इसी को बोलते हैं डेमो टीचिंग। और इसी डेमो टीचिंग के यूट्यूब पे मैं देख रहा हूं कि कतार लगी हुई है कि यहाँ इतना परसेंट डिस्काउंट जा रहा है, यहाँ पे आओ 75% का छूट लो, 90% का छूट लो। और मान लो कि अगर कोई टीचिंग का 15,000 कर रखा है, यहाँ पे मान लो कि वहां पे 90% भी डिस्काउंट दिया, तो आपके पास पैसे की महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि आप एक अभी विद्यार्थी हैं, छात्र जीवन में पैसे की बहुत जरूरत होती है। मम्मी पापा का ज्यादा से ज्यादा खर्च नहीं करवाएं, इसका हमेशा ध्यान रखना है। और डेमो टीचिंग के लिए आपको कहीं पे भी इनरोल्ड होने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू में वैसे सभी शिक्षक से मैं साक्षात्कार करवाऊंगा, ऐसे हमारे विद्यालय में बहुत न्यूली टीचर्स आए हैं पिछले वाले, और हम लोग एक्सपीरियंस टीचर भी हैं। हम यहां तक इतने, अगर आपका प्यार मिला तो मैं नवोदय विद्यालय के भी बहुत सारे शिक्षक हैं हमारे, वहां के प्राचार्य हैं, हम सभी को एक पैनल के थ्रू बुलाकर आपका इस तरह से इंटरव्यू लिया जाता है। और किस तरह से इंटरव्यू में हम लोग पास हुए हैं, पीछे जो 2019 के हमारे जितने भी शिक्षक साथी आए हुए हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बार बार कहने में मुझे थोड़ा असहज महसूस होता है, लेकिन मैं ये अपना अधिकार समझता हूँ आप सभी मित्रों पे, अपने भाई पे, और हमारे जितने भी बहने या वे शिक्षिका, भविष्य की शिक्षिका बनने वाली हैं, उन सभी से मैं ये आग्रह करता हूँ कि आपका भाई आपके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाकर आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। चाहे कुछ भी हो, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, ये वादा है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेटअप कैसा लगा और आपको किस तरह से हम पढ़ाएंगे, उसकी हम जो स्ट्रैटेजी आपको बताए वो कैसा लगा, आप अपना भाव, अपना अभिव्यक्ति कमेंट के माध्यम से लिखिए। और इस चैनल को सभी जगह कोशिश करिए कि जाए। केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक, एक गांव से उठा हुआ शिक्षक, एक गांव के स्कूल में दरी पे बैठकर पढ़ा हुआ शिक्षक, स्टैंडर्ड 6 में ABCD से शुरू करने वाला शिक्षक आज केंद्रीय विद्यालय में एक स्थान रखता है। और मैं अपना रैंक भी बताऊंगा, मैं अपना रिटेन का भी मार्क्स बताऊंगा, और मैं अपना सारा इंटरव्यू का भी मार्क्स डिस्प्ले करूंगा, आपको शेयर करूंगा। आप देखना कि जो मजा रियलिटी में है, जो मजा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने में है, वो आनंद आपको बहुत ज्यादा किसी चीज को एक्सपोज करने में नहीं है। हमें क्या जरूरत है एक्सपोज करने की, अगर कमर्शियलाइज ही करना है तो हमारे संगठन बहुत हमको पैसे देती है। हमारा ये अंदर से आंतरिक इच्छा है कि हम आप लोगों को थोड़ा मदद करूं, थोड़ा हेल्प करूं, थोड़ा आपका भाई आपके लिए कुछ करे, क्योंकि हम बहुत सारे भाई को, बहुत सारे शिक्षकों को ढूंढते रहे और कोई मिला नहीं, तो क्यों नहीं मैं कुछ ऐसा करूं जिससे हमारे जितने भी आगामी शिक्षक बंधु हैं वे हमसे थोड़ा भी लाभ उठाएंगे, तो मैं समझूंगा कि मैं इस कार्य को करने में सफलता प्राप्त किया। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेटअप के साथ मैं यहाँ पे बोर्ड पे खड़ा हूं और मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूं कि किस किस तरह से डेमो टीचिंग इंटरव्यू के साथ अब हम उन दोस्तों के लिए भी क्लास लेकर आने जा रहा हूं।
जो कुछ चंद मार्क्स से इस त्योहार से अलग हो गए हैं, वे चिंता नहीं करें। उनके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, DSSB और बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारी रिक्तियां बहुत जल्द आ रही है, उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दें। और उसके हिसाब से मैं अपनी क्लास का भी शेड्यूल बनाऊंगा और यहां से आपको जो चीज मिलेगा वो शायद और कहीं से मिले ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहां से जो मिलेगा वो आपको पेपर में दिखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का क्लास यहीं पे रुकूंगा। जय हिंद, जय भारत।